अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान हुसैन है। आज बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पर। पॉजिटिव थिंकिंग के जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट है उसके वजह से बात करेंगे। उससे पहले आज पहली मरतबा आने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच, इसके बड़े अच्छे असरात हैं जहनी सेहत पर। आप ये समझ लें कि ये मेंटल हेल्थ की बैकबोन है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट, ये बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है इंसान की ज़िंदगी का, जो कि इंसान की पर्सनैलिटी को डिवेलप करने में, उसको ग्रो करने में, उसकी जो इंडिविजुअल लाइफ के गोल्स होते हैं उसको आगे प्रोसेस करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होती है इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। जब हम अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लर्न करते हैं दूसरों के तजुर्बात के साथ और अपने तजुर्बात के साथ, यानी अपने जो ज़ाती तजुर्बे हमारे होते हैं ज़िंदगी में, नाकामियों के, कामयाबियों के, उतार चढ़ाव जो हमने अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में देखे होते हैं किसी भी लिहाज से, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, और कोई आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात आप करते हैं उसमें, नाकामियाँ कामयाबियाँ आपका हिस्सा, आपका मुकद्दर बनती है और खुशी गम भी उसमें आते हैं, बहुत सी आसाइशें भी मिलती हैं और बहुत सी आप कहने की ख्वाहिशात उसमें अधूरी भी रह जाती हैं। और मुस्बत सोच के जो सबसे अच्छे असरात हैं जहनी सेहत पे भी होते हैं और जिस्मानी सेहत पे भी होते हैं। और जिस्मानी सेहत पे कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके माइंड में एक इमेजिनेशन आई। इमेजिनेशन क्या आई जी? एक पिक्चर आपने अपने माइंड में डेवलप की पॉजिटिव माइंड के साथ। वो क्या आई जी कि आज मैं हूँ 3 क्लास में। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा सोचता है कि जी मैं 3 क्लास में हूँ, मैंने बड़े होके जो है वो इंजीनियर बना। अब एक पॉजिटिव इमेज डेवलप हुआ ना, एक पिक्चर डेवलप हुई। अब वो पिक्चर कैसे डेवलप हुई? उसने यकीनन किसी मूवी में देखा होगा किसी इंजीनियर को, 8-9 साल का बच्चा ऐसी चीज़ें देखता होगा, या किसी कैरेक्टर को, किसी इंडिविजुअल को उसने अपनी फैमिली में देख लिया होगा कि यार ये जो बंदा है ना, ये वो इंसान है जिससे भाई पॉजिटिव वाइब्स आती है। अब उसका एक इमेज आपके माइंड में डेवलप हो गया, उससे आपको एक पॉजिटिव वाइब आई। उसके से पॉजिटिव वाइब कैसे आएगी? उसके उठने बैठने से, उसके बात करने के अंदाज से, उसके कम्युनिकेशन के स्टाइल से, उसके कॉन्फिडेंस से, उससे नॉलेज से। वो जब आपके पास नॉलेज अपना शेयर करेगा तो उसमें आपको क्या होगा कि आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। चाहे वो कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, किसी भी एज का हो, एज फैक्टर डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन इसकी कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये सारी ज़िंदगी चलता रहता है। और मेंटल हेल्थ पे जो पॉजिटिव थिंकिंग के इम्पैक्ट है ना, इतने ज़्यादा है ना, बेतहाशे। आप साइकोलॉजी ओपन करें गूगल पे, चैट जीटीपी पे, आप इसकी तफसीर पढ़ें, आपको लग समझ जाएगी। और इसके जहन पे इतने अच्छे असर आते हैं ना, जिस्मानी सेहत पे भी। आप देखें, आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, आपकी वो बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट हो जाएगी, आपके फेस एक्सप्रेशन ही डिफरेंट हो जाएंगे। आप सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे ना, बुरी सिचुएशन में, बुरे से बुरे हालात में भी आप मुस्कुराएंगे ना, तो लोग आपको देखे कहेंगे यार क्या बंदा है, क्या बंदा है। मतलब लिटरली आप यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसे ऐसे उस्तादों से, उस्तानियों से, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, तो वो टफ से टफ सिचुएशंस में भी अपने आप को बड़ा मेंटेन करते हैं हर लिहाज से, फिजिकल लिहाज से भी और मेंटल हेल्थ भी उनकी इतनी अच्छी होती है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव सोचना। मैं इस वीडियो में नेगेटिव लिहाज से बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, हमारा आज का टॉपिक ही नहीं है नेगेटिव वे में, सिर्फ इस बात पे फोकस है कि आपने पॉजिटिव सोचना कैसे। और पॉजिटिव सोचने के लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए कि जी आपने पॉजिटिव सोचना है। ये आपके अंदर की चीज़ है, ये आपके अंदर के जीन्स हैं, जेनेटिक्स हैं, ठीक है ना, आपके अंदर का वो जो एक
बचपन में बड़ा वर्ड सुना जी ट्रॉमा, तो एक अंदर की चीज होती है, ये आपको अंदर से मोटिवेट खुद को करना पड़ता है। बाहर से भी लोग करते हैं, मैंने देखे हैं बड़े लोग नेगेटिव सोचते हैं और उनको भी मोटिवेट किया जाता है। बाहर के लोग कहते हैं और नहीं यार चंगा सोची दे, नहीं चंगा करी दे, चंगा हुई दे, तो ये बातें आपको मोटिवेट तो करती हैं, लेकिन असल इंसान वो है जो टफ से टफ सिचुएशन में भी अपनी जहनी सेहत को अच्छा रखता है। और जहनी सेहत का अच्छा होना, फिर मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा मैंने बात की है, ना सिर्फ अपनी वीडियो में बात करता हूँ, मैं वैसे भी बात करता हूँ कि अगर आपकी जहनी सेहत अच्छी है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हो ना, वो आप जितने मर्जी आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो ना, आपको कमज़ोर नहीं कर सकती है। बस यकीन अल्लाह पे रखना, बाकी सारी चीज़ें आपके आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग की वीडियो है ना, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट करेगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर, अगर तो की इजाज़त है मैं उससे मदद।